तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लास्ट क्लास में आपके साथ कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उससे आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने कस्टम फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल किया था कि किस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हैं, उसी तरह से कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम बहुत सारे कंडीशन कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज हम इसी चीज पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अमित जी, धीरज जी, अभाषित जी, अगर आपके पास प्रीवियस क्लासेस से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर, प्रीवियस क्लास मेरा तो वो रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उस दिन मेरा इंटरनेट बहुत खराब था ना, अगर याद है। मैंने रिकॉर्डिंग भेजी तो थी आपको? नहीं सर। ओके, आपने मांगी भी नहीं, तो मैं दोबारा भेज दूंगा, दोनों रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आज भी रिकॉर्ड करो सर। चलिए स्टार्ट करें। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बिहाफ पे हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कर्सर को रखते हैं तो आपको दिखता है कि इजीली स्पॉट ट्रेन पैटर्न इन योर डेटा यूजिंग द बार कॉलम एंड आइकन्स टू विजुअली हाईलाइट इंपॉर्टेंट वैल्यू। हम लोग इसका यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हाईलाइट करने के लिए, नंबर्स को हाईलाइट करने के लिए। अब क्यों? जैसे क्या होता है कि आपके सामने डेटा है, अब क्वांटिटी है, तो जैसे कि बोला गया है कि जो ग्रेटर देन 50 की क्वांटिटी है वो सही है, जो ग्रेटर देन 50 की क्वांटिटी है वो सही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि ग्रेटर देन 50 कहाँ कहाँ है, हमें मैनुअली अगर देखना पड़े तो एक एक करके देखना पड़ता है। बट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए जो भी ग्रेटर देन 50 है या फिर नॉर्मल अगर इस तरह से ग्रेटर देन 50 वाले को हाईलाइट कर देंगे तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखों पे सबसे पहले वही चीज देखेगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल होता है कि डेटा या रिपोर्ट में आप जो वैल्यू सबसे पहले दिखाना चाहते हैं उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, वो सबसे पहले उसी वैल्यू को शो करेगा। तो चलिए हम भी इस पे आगे बढ़ते हैं। हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, मतलब जो भी एरिया है उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कई सारे आप देखेंगे क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, कई सारे कैटेगरी है, उसमें सबसे पहला है हाईलाइट सेल्स रूल्स। सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है ग्रेटर देन, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 50 लिखा। तो आप देखिए डिफॉल्ट कलर से हाईलाइट हो, एक डिफॉल्ट कलर से आप देख रहे हैं हाईलाइट हो। तो यहां पे और भी कई सारे कलर्स हैं जिसका यूज आप कर सकते हो, कई सारे कलर्स हैं जिसका यूज आप कर सकते हो। जैसे कि येलो है, जैसे कि ग्रीन है, राइट लेन है, रेड बॉक्स टेक्स्ट है, इस तरह से। अब इसमें कोई पसंद नहीं आया तो कस्टम फॉर्मेटिंग में आए, यहां पे अपने हिसाब से जो फॉर्मेट चूज करना चाहो चूज कर सकते। तो यहां पे अपने हिसाब से जो कलर चूज करना है चूज कर। तो यहां अपने नंबर्स को डाल सकते हैं, यहां से डिफाइन फॉर्मेट या कस्टम फॉर्मेट फॉर्मेट में जाके आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेट देना चाहे वो फॉर्मेट ले सकते। उसके बाद आप ओके करें, ये हाईलाइट। अब जो हाईलाइट हुआ है मैनुअल नहीं है, ये डायनेमिक है। जैसे कि अगर मान लीजिए 53 अगर 35 हो गया तो फॉर्मेटिंग हट जाएगा, और यहाँ 87 जो है मान लीजिए 38 83 हो गया तो फॉर्मेटिंग अप्लाई भी हो गया। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग इसी पर्पस में इसका इस्तेमाल करते। चलिए आप लोगों को कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं और क्या पर्पस है, दो चीज समझना बहुत जरूरी है। अभाषी जी, समझ में आया?
जी सर, जी सर। इसमें आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हैं एक बार देख लेते हैं। इसमें आपका लेस देन है, एक बिटवीन है, दो नंबर के बीच में अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो बिटवीन ले सकते हैं, और यहाँ पे इक्वल टू है, एग्जैक्ट कोई सेल वैल्यू हाईलाइट करना है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन में सिर्फ नंबर और डेट टाइम दे सकते हैं, कोई टेक्स्ट नहीं दे सकते। आप डेट क्या दे, कैसे देंगे, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, जुलाई का ही डेट डाल दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ हमने बोला ग्रेटर देन, तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि भाई 20 जुलाई से बाद की जो डेट है वो हाईलाइट हो जाए, तो 20 जुलाई, देखा 20 जुलाई से जितने भी डेट है वो हाईलाइट होंगे। जैसे टाइम पे भी डेट पे भी हम यूज कर सकते हैं, बट कोई ये टेक्स्ट नहीं अप्लाई कर सकते इसमें, ऐसा नहीं कर सकते ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इक्वल टू में आप सब कुछ डाल सकते हैं, इक्वल टू में आप यूरोप डाल दीजिए, टेक्स्ट डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, एवरीथिंग यहाँ डाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए यूरोप, जहां पर यूरोप है वहां हाईलाइट होंगे, तो इक्वल टू में एग्जैक्ट सेल वैल्यू चाहे वो नंबर हो, चाहे डेट हो, या टाइम हो, या किसी भी चीज का हो, वो हाईलाइट कर सकते हैं। बट यहां इक्वल टू में दिक्कत होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ सिटी डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारा फुल नेम नहीं होता, जैसे कि दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली है और कहीं पे हमारा न्यू दिल्ली है, तो अगर मैं दिल्ली को हाईलाइट करूं तो न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ इक्वल टू में अगर मैंने यहाँ पे दे दिया दिल्ली, तो ये देखिए न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। अगर मैं न्यू दिल्ली करूंगा तो फिर वहां पर दिल्ली हाईलाइट नहीं होगी। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि दोनों हाईलाइट हो, तो उस केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अगली ऑप्शन होता है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन में आऊंगा और यहां पे मैं दिल्ली डालूंगा और दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों को हाईलाइट कर देंगे टेक्स्ट दैट कंटेन। तो डेट ऑफरिंग के लिए सॉरी टेक्स्ट दैट कंटेन में हम इसका यूज करते हैं कि अगर आपने कोई वर्ड डाला वो वर्ड इसमें कहीं भी एग्जिस्ट करता है उसको हाईलाइट कर देता है। उसके बाद यहां आता है डेट ऑफरिंग। अब जैसे कि आपने बताया थोड़ा देर पहले मैंने आपको कि यहां हम ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में कोई डेट डाल सकते, बट वो डेट फिक्स हो जाता है। जैसे इक्वल टू में मान लीजिए मैंने 18 जुलाई, मैंने आज की डेट डाल दिया, आज की डेट मैंने 27 जुलाई डाल दी, ये 27 जुलाई हाईलाइटेड है। कल मैं इस फाइल को ओपन करूंगा फिर भी ये 27 जुलाई ही हाईलाइट होगा। तो कल भी है आपका 27 जुलाई ही हाईलाइट रखेगा, क्यों, क्योंकि ये हमने मैनुअली यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहां हम कर सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहीं पे डेट ऑफरिंग होता है। डेट ऑफरिंग में यहाँ आपके फीचर से स्टडे 26 जुलाई से टुडे सेलेक्ट कर लिया, 27 तारीख है तो कल ए आपका 27 तारीख नहीं रहेगा, कल ए हो जाएगा 28 तारीख, क्योंकि इस सिस्टम डेट से कनेक्ट कर देगा। जैसे ही सिस्टम डेट चेंज होगा ये अपने आप को चेंज कर लेगा। तो ये डेट ऑफरिंग में और क्या क्या है, स्टडे, टुडे, टुमोरो, इन द लास्ट 7 डेज, डेट जो भी डेट है उसे डेट है उसे
लास्ट 7 डेज जो है उसको हाईलाइट कर देता है, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये आपका सामने दिख रहा है एक कंडीशन से ऑटोमेटिकली, और अपने आप को अपडेट भी करेगा अपने। ओके, अगला जो इस कैटेगरी का सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट वैल्यू। मान लीजिए किसी सिलेक्टेड एरिया में कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है, उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो आप डुप्लीकेट को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी एक से ज्यादा बार होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। मैं इसको अगर अलग दिखाऊं आपको, जैसे मान लीजिए कि मेरा अकाउंट नंबर ही है, मैं चाहता हूं कि इसमें कोई भी वैल्यू मोर देन वन टाइम ना हो, तो हम यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे मैं देता हूं 1, 2, 3, ठीक है, और जैसे 1 कहीं पे लिख दिया तो दोनों 1 हाईलाइट हो जाएगा, थ्री टाइम लिखा तो तीनों 1 जो है आपका हाईलाइट हो जाएगा, तो जितने भी ये 1 है वो सारे के सारे आपके हाईलाइट हो जाएंगे। तो अब्बासी जी, अमित जी, सवेद जी, ये हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डुप्लीकेट वैल्यू, डेट ऑफरिंग, इससे कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर है? नहीं सर। नो सर। अब इसके बाद बाकी आती है हमारा टॉप पॉइंट। अब जैसे कि मान लीजिए कि जो डेटा हम अभी यूज कर रहे थे उसी में हमारा टॉप 10 हाईलाइट करना है, इसमें से हाईएस्ट टॉप 10 कौन सा है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे टॉप 10 को सिलेक्ट करूंगा, जो हाईएस्ट टॉप 10 होगा वो हाईलाइट होगा। अब बोलिए कि टॉप 10 हो, 10 को जगह पे आप 5, 6, 3, 1 जो मर्जी डालना चाहे डाल सकते। उसी तरीके से यहां आपके सामने बॉटम 10 है, जो सबसे लोवेस्ट 10 है या उससे ज्यादा है आप उसको हाईलाइट कर सकते। इसमें एक आप देख रहे होंगे कि टॉप 10 परसेंटेज एंड बॉटम 10 परसेंटेज है, ये परसेंटाइल फॉर्मूले पर वर्क करता है, ये आपको हम आगे क्लास में सिखाएंगे जब हम परसेंटाइल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, तो इसको हम बताएंगे। अब बात करते हैं अबव एवरेज। देखिए जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसका एक एवरेज, जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं इसका एक एवरेज यहाँ आपको दिख रहा होगा 50। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई ऐसा ये नहीं दिया होता है कि हाँ इससे ऊपर चाहे इससे नीचे वाले को हाईलाइट करना है, तो उस केस में हम जो है यही पे यूज कर लेते हैं कि टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑफरिंग के अलावा यहां आपके सामने जो है अब एवरेज दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो भी सिलेक्टेड है उसका एवरेज कैलकुलेट करेगा और उसको हाईलाइट, जो उससे ऊपर और बिलो एवरेज करेंगे तो जो उससे नीचे होगा उसको हाईलाइट करेंगे, और जैसे कि हमने बताया कि ये अपने आप को चेंज भी करते रहता है, तो ये आपका अपने आप को चेंज भी करते। ठीक है सर जी। सर तो किसी को इसमें कंफ्यूजन है टॉप बॉटम वाले में? सर अबव एवरेज का बेसिकली यूज कहाँ होता है, जैसे अगर हम देखा जाए तो मान लीजिए ना आपके आपके पास जैसे ही देखिए क्वांटिटी
तो किसी मुझे किसी ने पूछा कि इसमें से अच्छा सबसे अच्छा क्वांटिटी कौन सा है, कौन कौन है जिन्होंने अच्छी सेल की है। अगर आपके पास टारगेट है तो आप उस टारगेट से ऊपर वाले को बोलेंगे कि हाँ ये टारगेट अचीव कर लिया जिसे गुड से डिफाइन नहीं, तो क्या बोलेंगे कि एवरेज से नीचे वाले जो है अच्छा सेल नहीं है, एवरेज ऊपर वाले अच्छा सेल नहीं है। ओके समझ गए। क्या होता है ना कि हाँ ए स्कूल में भी होता है कि भाई ए ए जो स्टूडेंट है ए अबव एवरेज है, ए हमारा बिलो एवरेज। राइट राइट समझ गए। और किसी को डाउट? नहीं सर। नो सर। आगे बढ़ते उसके बाद इसमें आगे आते हैं डेटा बार। अब जैसे मान लीजिए कि इसकी कंपेयरिंग करनी हो कि भाई कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोवेस्ट है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इतना बड़ा डेटा पे हम चार्ट वार तो लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम इजीली डेटा बार लगा सकते हैं। डेटा बार क्या करता है आपको यहाँ बताता है कंपेयर। ठीक है, बताता है कि कौन सा कितना बड़ा है। जो बड़ी अमाउंट है उसको देखिए उन्होंने बुरा फिल कर दिया, छोटा अमाउंट पे इसने छोटा किया। मैं इसको अलग कॉलम में बताऊं, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर हमने डेटा बार में इस बार को सिलेक्ट कर लिया तो देखिए जैसे जैसे नंबर हमारा बढ़ रहा है हमारा बार भी इसी तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ओके बार सारे एक ही है, कलर अलग अलग। हाँ बाशिश जी बोलिए। सर जी ये ग्राफ भी यूज हो सकता ना ग्राफ में? नहीं, जैसे कि एक तो बात देखो बता होता है क्या है कि जो डेटा हमारा है डेटा हमारा काफी बड़ा है। अगर हम ये जो हमारे जो ट्रेडिशनल ग्राफ होते हैं वो ग्राफ यूज करेंगे तो वो विजिबल नहीं होगा क्योंकि उसकी एक लिमिट है ना विजिबिलिटी की। ओके देखिए हमने इसको क्या किया बार लगा डेटा बार लगा दिया तो डेटा बार में क्या हुआ कि वो बार चार्ट की तरह दे दिया तो इससे पता चल जाता है ना कि अगर सेल एंड तक गया हुआ मतलब कि हाईएस्ट में है, स्टार्टिंग में लोएस्ट में है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा ये नंबर है ए इस पूरे डेटा में क्या पोजीशन रखता है। अच्छा जी सर अंडरस्टूड। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने नंबर रखा और यहाँ बार हमने लगा दिया तो जैसे जैसे नंबर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो बार भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है फाइन सर। अब यहाँ पे बार की तरह बार डेटा बार की तरह ही यहाँ पे आपके सामने कलर स्केल भी होता है, वो भी नंबर के अकॉर्डिंग कलर देता है। जैसे कलर दे दिया तो हो गया लोएस्ट टू हाइएस्ट हो गया, तो रेड हो गया लोएस्ट और ग्रीन हो गया हाइएस्ट। तो जितना ज्यादा रेड है उतना ज्यादा लोअर है और जितना ज्यादा ग्रीन है उतना ज्यादा अपर है। ठीक है, और उसे यहां पे आइकन सेट है। आइकन सेट भी इस तरह से आपको बताता है कि लोअर मिडल अपर। एक चीज और यूज कर सकते हैं आइकन में, जैसे कि हमारे पास यहां क्वार्टर वन है दूसरा हमारा क्वार्टर टू है, तो क्वार्टर वन मान लीजिए 10 है, क्वार्टर टू मान लीजिए 15 है। तो मुझे कंपेयरिंग करना है कि इन दोनों के बीच में हमारा हायर कौन सा है। तो इसके लिए यहां जो हमें ग्रोथ निकाले उससे अच्छा है कि इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए
और यहाँ आपके सामने दिख रहा है डेटा बार बार, जो हायर होगा उसके ऊपर हायर जाएगा। ठीक है, समझ गया ना? जैसे चेंज हुआ, जैसे मान लीजिए एक आप ट्वेंटी कर देते हैं, स्विच हो गया। सर जी मतलब इधर तो नंबर नहीं डल सकते हैं ना, तो मतलब कितना है कि ये नीचे है और ऊपर है, सपोज इफ वी आर नहीं ठीक है सिर्फ ये दो नंबर्स के कंपेयर करेंगे और ना ज्यादा नहीं दो में। अच्छा सर जी सर, तो हम डैशबोर्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स टॉप बॉटम डेटा बार कलर स्केल एंड आइकन सेट को कंप्लीट कर दिया, राइट? बट क्या है कि इसमें और भी चीजें, जैसे कि मैनेज रूल, न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स। तो अब बात करते हैं क्या है। अब जैसे कि ये सारे अलग अलग कैटेगरी में है और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है फीचर्स नहीं है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, ऐसे फीचर्स नहीं है, राइट? तो यहाँ आप मोर रूल्स या न्यू रूल्स में आते हैं तो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिले, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्लियर रूल्स है, मतलब कि जो लगी हुई कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए डेटा बार लगा है, इसी को क्लियर करना है, हमने जो सिलेक्ट किया और यहां से कर दिया क्लियर, इसमें दो चीजें, क्लियर सिलेक्टेड है या एंटायर शीट। तो सिलेक्टेड करेंगे तो जो एरिया सिलेक्ट किया हुआ है वहां से कंडीशन फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो एंटायर शीट हो जाएगा, आपने टेबल पे लगाया तो टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे पिवट टेबल पे लगाया तो पिवट टेबल से रिमूव कर सकते। उसी चीज यहाँ पे आता है मैनेज रूल, जैसे कि आपने इस शीट में कितने तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, आप मैनेज रूल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे दीजिए इस वर्कशीट, ठीक है, या सिलेक्टेड पे जाइए, सिलेक्शन कर लीजिए और फिर यहाँ पे मैनेज। अब उसमें कुछ चेंजिंग करना है तो आप यहां से चेंजिंग कर सकते हैं, कोई कंडीशन फॉर्मेटिंग आप लगा देते हैं और आपको उसमें से कुछ चेंजिंग करना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसी पे लगा दिया ग्रेटर देन, मुझे याद है कि नहीं 500 तो हमने कम कर दिया, हमें 800 से ऊपर वाले को हाईलाइट करना है। तो आप यहाँ मैनेज रूल में आइए, यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, डबल क्लिक कीजिए और अपनी कंडीशन को चेंज कर दीजिए कि यहाँ पे मुझे 600 या 700 या 800 या फॉर्मेट चेंज करना है, यू कैन चेंज द फॉर्मेट। किसी भी तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहीं से आप क्लियर कर सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को? अमित जी, धीरज जी, अबासी जी एंड सर्वेश जी, यस सर, जी सर, आप लोग इसको यूज कीजिए और मुझे इसके 10 एग्जांपल बना के भेजिए, तो कल की क्लास में हम आपको एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे। जी हाँ, कल की क्लास की जो होगी क्लासेस हमारी, उसमें हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस करें। थैंक यू सर। ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। या थैंक यू सर। यस सर। ओके, बाय बाय।